जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छी सी अच्छी सटीक जानकारियां जो मैं देता हूं वो आप सभी तक समय पर पहुंचती रहे। मित्रों, आज मैं एक ऐसी जानकारी आप सबके साथ में शेयर करने के लिए आया हूं कि जो लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं या दर्शन करते हैं या मत्था टेकते हैं, तो वहां का मंदिर का जो पुरोहित होता है वो आपको प्रसाद के साथ साथ एक पुष्प देता है। तो आप लोग क्या करते हैं, उस पुष्प को लेकर अपने घर में आते हैं और कहीं ना कहीं पर उसको रख देते हैं। तो मित्रों, आपको क्या करना है, अगर उस पुष्प को आप घर लेके आते हैं और घर में आप कहीं पर उसको रख देते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। ये आप एक पाप की तरह करते हैं, ये एक पाप के बराबर होता है, ये कार्य अच्छा नहीं कर रहे हैं। मित्रों, शिव पुराण और स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है कि यदि आप मंदिर से पुष्प लाते हैं या मंदिर का पुरोहित आपको पुष्प देता है, फूल देता है, तो उस फूल को क्या करना चाहिए, उस पुष्प को सर्वप्रथम आप अपने दोनों आंखों पर लगाएं, उसके बाद आप अपने हृदय पर लगाएं, हृदय पर लगा उसको थोड़ी देर कान पर अवश्य रखें, उसके बाद आप उसे चाहे तो अपने घर ले जा सकते हैं। तो मित्रों, कुछ लोग सोचते होंगे कि कानों पर क्यों रखा जाता है, कर्ण पर पुष्प को क्यों रखते हैं। तो मित्रों, 16 श्रृंगार और कर्ण का 16 संस्कार, ये सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, इसलिए कर्ण पर पुष्प को रखा जाता है। मित्रों, एक अवश्य चीज आपको मैं आपको बताता हूं कि कर्ण पर क्यों रखते हैं पुष्प को। कारण क्या होता है कि यदि आप किसी भी कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा का श्रवण आप किस माध्यम से कर रहे हैं, कर्ण के माध्यम से, कानों के माध्यम से कथा का श्रवण करना, आरती का सुनना, इसलिए भगवान का प्रवेश सनातन धर्म में कर्ण से ही माना गया है। इसलिए पुष्प को आंखों पर लगाने के बाद कर्ण पर थोड़ी देर के लिए अवश्य रखना चाहिए। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।